तो दोस्तों आज आप जैसे देख सकते हो स्क्रीन पे आज हम लोग करने वाले हैं बहुत सारी टेस्टिंग बिकॉज ऐप बनाने में बहुत टाइम लग गया और काफ़ी महीने हम लोगों को लग गए हैं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कोई भी बग्स नहीं होंगे और डेवलपर्स ने भी ऑलमोस्ट मेरे को गारंटी ही दी है कि इसमें तो एक भी बग नहीं निकलेगा बट मुझे भी पता है कि मैं जब भी टेस्ट करता हूँ एक ना एक बग तो मैं निकाल ही देता हूँ तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना, आप लोगों के साथ कर लिया जाए और देखते हैं कि इसका प्रोसेस कैसा रहता है कैसा चलता है मैंने अपने फ़ोन को यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है क्विक टाइम प्लेयर से और आप जो भी स्क्रीन पर चल रहा है आप बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हो ये रिकॉर्ड भी हो रहा है और हम लोग इसको यहाँ से टेस्ट करने वाले हैं अच्छा मैं एक बार आपको डाउनलोड करके लॉइन कर चुका हूँ इसलिए मेरा फेस आई ऑप्शन इनेबल हो चुका है

लॉग आउट करके भी थोड़ी बहुत टेस्टिंग करेंगे और राइट नाउ द फर्स्ट थिंग वी गोना टेस्ट ओवर हेयर इज वी गोना गो ऑन टू ओके कैन सी एवरीथिंग इज वर्किंग ओवर हेयर ठीक है विल टेक अ लुक एट पेजेज पेजेस एवरीथिंग लुक्स गुड राइट हेयर कोई भी इसमें इशू नहीं लग रहा है मेरे को ठीक है ना और ये भी हमने एक दो टेस्टिंग कर टेस्टिंग करते हुए इसी आईडी से एक और टेस्टिमोनियल डाल दिया था <laughs> और भी देखते हैं बट मोस्टली ये जो टेस्टिंग अकाउंट है ये थोड़ा सेपरेट रहता है ऑब्वियसली इसकी जो एक्चुअल चीज़ें है वो लाइव वेबसाइट पे नहीं दिखती है अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन को टेस्ट करते हैं ठीक है टेस्ट पोस्ट और ये क्रिएट हो गई है अब मैं जाऊँगा एक वेब ब्राउज़र पर अपने सिस्टम पर और यहाँ पर ये आपको अभी दिख नहीं रहा होगा बट अच्छा देखो मेरे को नोटिफिकेशन तो आ ही गया है अच्छा दिख नहीं रहा होगा बट मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर एक सिंपल सा पोस्ट को लाइक करने वाला हूँ होपफुली यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और राइट लाइक हो गया है नोटिफिकेशन आ गया ग्रेट ग्रेट अच्छा अब जब ऐसे देखते हैं कि अगर मान लो कि मैंने इस ऐप को मिनिमाइज कर रखा है तो क्या आप नोटिफिकेशन आ पाता है uh, और मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ हाय और देखते हैं नोटिफिकेशन आ, आ गया नोटिफिकेशन ठीक है नोटिफिकेशन मोस्टली सही काम कर रहे हैं मैं जितनी बार भी कमेंट करता हूँ होपफुली वो नोटिफिकेशन दिखा देता है और uh, उसके अलावा ये काउंट भी बढ़ती रहती है यहाँ पर और इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर ये रेड डॉट करके भी आ गया है और इसको हम क्लिक करके जा सकते हैं उस पोस्ट परफेक्ट ये सब सही चल रहा है इसमें कोई भी इशू नहीं है अभी तक बट होपफुली बग तो मैं निकाल के ही रहूँगा ऐसा हो नहीं सकता बग ना निकले चलो देखते हैं कोई नहीं एक बार मैं सबसे पहले तो यहाँ पर डिस्कशन में जा करके इस पोस्ट को डिलीट कर देता हूँ बिकॉज अगेन ये एक टेस्ट पोस्ट थी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अच्छा हमने लॉन्ग प्रेस का एक फीचर डाला था ओके okay, ये भी सही काम कर रहा है इसमें भी कोई ज़्यादा इश्यू नहीं लग रहा है मेरे को ठीक है अच्छा अब देखते हैं एडमिशन रिजेक्ट्स मान लेते हैं हम इस पर फिल्टर्स लगा रहे हैं ठीक है तो होपफुली यहाँ पर कुछ ना कुछ बग निकल ही जाएगा अच्छा जैसे कि मैं मान लेता हूँ ओके अच्छा तो पहला बग तो मुझे मिल ही चुका है ये एक्चुअल में बग नहीं है बट एक फंक्शनैलिटी का लैक ऑफ फंक्शनैलिटी है अगर मैं इसको स्क्रोल कर रहा हूँ तो साथ साथ ये जो नंबर है स्क्रीन पर राइट फोर्टी ट्वेंटी एट ये सब मूव होना चाहिए साथ के साथ मुझे कैसे पता चलेगा मैं किस नंबर पे आकर के स्टॉप कर रहा हूँ अगर मेरे को एट से टेन सेलेक्ट करना है यहाँ पर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे मैं टेस्ट करते रहूँगा अच्छा एट सेलेक्ट हो चुका है कि नहीं ये सेलेक्ट हो चुका है कि नहीं यही अगर ये नंबर मूव कर रहा होता डायनामिकली तो मैं बहुत ही ईजिली सेलेक्ट कर पाता सेकंडली मैं देख पा रहा हूँ कि ये सेलेक्ट करने के बाद भी ऑटोमेटिकली सर्च नहीं हो रहा है जो कि होना चाहिए क्योंकि बाकी सब केसेस में ऐसा है जैसे ही हम मतलब अब जैसे इसको मैं क्रॉस दबाता हूँ यहाँ पर वेन वी प्रेस दिस क्रॉस बटन आई एक्सपेक्ट कि ये सर्च एक्चुअली हो जाएगी या फिर यहाँ पर एक सर्च का बटन होना चाहिए नीचे राइट right. सो so, वो सब नहीं है इसमें क्योंकि इन सब केसेस में क्या होता है हम जैसे ही करते हैं सर्च हो जाती है कुछ भी एक्शन परफॉर्म करते हैं सर्च हो जाती है तो वो चीज़ यहाँ पर लैक कर रही है मेरे को लगता है थोड़ा सा हाँ हम सर्च दबा करके बेशक नाइन टू हंड्रेड में देख सकते हैं बट यू नो ऐसा हम क्यों करेंगे वी वुड इट टू बी इन अ मोर सिंपलिस्टिक मैनर सो दैट द यूजर्स कैन इन्जॉय द ऐप राइट तो ठीक है वो चीज़ हमारे को थोड़ा सा करना है अच्छा सेव्ड वाले को देखते हैं क्या ये सेव हो रहे हैं डिसीजन कि नहीं हो रहे हैं ओके सेव डिसंस सीम्स टू बी वर्किंग नो प्रॉब्लम ओवर देअर अच्छा ये रेड डॉट जो है ये डिसअपियर होना चाहिए एक्चुअली ये डिसअपियर नहीं हुआ इवन दो मैंने नोटिफिकेशन खोल लिया था बट अब सेकंड टाइम में हुआ है पता नहीं ऐसा क्यों आई थिंक दैट्स बिकॉज मैंने सारी नोटिफिकेशन को क्लिक नहीं किया था मे बी मे वीव टू लकिन टू दैट और राइट कुल मोस्टली अभी तक मेरे को एक ही इशू मिला है वो भी एक्जैक्टली exactly बग नहीं कह सकते हैं हम उसको बट हाँ देट इज़ अ देट इज एन इशू देट वी नीड्स टू फिक्स अच्छा अब अगर हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं कोई कंट्री और कंट्री में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मान लो आयरलैंड तो यहाँ पर आ जाने चाहिए आयरलैंड के कॉलेजेस जो कि नहीं आए हैं ये एक बग है एक्चुअल में बग है ये क्योंकि मैंने आयरलैंड सेलेक्ट किया ऐसा अच्छा, मेरे को सर्च दबाना पड़ेगा क्या नहीं कुछ भी नहीं हुआ ये आयरलैंड वाले नहीं आए हैं ये इशू तो फिक्स करना बनता है ये एक्चुअल में एक बग है मैं इसको तो कूँगा तो इस दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जो हम एक्सपेक्ट करें वो नहीं हो रहा क्लियर करते करते हैं फ़िल्टर्स और फिर से सेलेक्ट करते हैं कंट्री इस बार मैं कोशिश करता हूँ कैनाडा सेलेक्ट करने की और देख रहे हैं हम लोग मेरे को लगता है ये कंट्री फिल्टर काम ही नहीं कर रहा है एक्चुअल में सिर्फ कैनेडा के कॉलेजेज आने चाहिए थे हमारे अभी इसमें जो कि नहीं आ रहे हैं तो होपफुली ये चीज़ हम लोग फिक्स कर देंगे कुछ टाइम में और एक्चुअली पता नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई और ना कोई और फिल्टर सिलेक्टेड है बिकॉज ये दो ही रिजल्ट दिखा रहे हो अच्छा सेफ डिसीजीजन देख रहा हूँ मैं इसलिए ऐसा हो रहा है अरे यार ठीक है वो एक्चुअल में वहाँ पर कोई भी इशू नहीं है होपफुली जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ कंट्री को आयरलैंड तो ये आयरलैंड की यूनिवर्सिटी दिखाना चाहिए ओके सीम्स टू बी वर्किंग बर्ड नहीं है यहाँ पर होपफुली कोई कॉलेजेस को हम सेलेक्ट कर सकते हैं ओके okay, सबसे पहली चीज मैं देख सकती हूँ ये एड्रेस जो यहाँ पर लिखा आ रहा है वेस्टर्न रोड कॉर्क आयरलैंड ये चीज बिल्कुल भी सही से अलाइन नहीं है सही से नहीं लिखा हुआ है एड्रेस तो इसको फिक्स करना बनता है ओके नाउ द नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू ट्राई द रेट माय चांसेस टूल आई डोंट नो इफ दिस अकाउंट हैज द क्रेडिट्स द्रेडिट्स अपेन्टली एंड नाउ इट इज एबल टू डू दिस रेट माय चांसेस थिंग ऑल्सो राइट दिस थिंग वर्क वेल नो प्रॉब्लम एट ऑल राइट लेट्स ट्राई समथिंग एल्स लेट्स ट्राई समथिंग दैट मोस्ट पीपल वुड नॉट हैव टेस्टेड एक्चुअली मेरे को एक यहाँ पर बर्ग मिल चुका है शायद से ये जो ये वाला पार्ट है ये इसका क्या कहते हैं फिल्म चढ़ी होती है जो इसके ऊपर आई बिलीव जो ग्रेडियंट है ये टॉप तक जाना चाहिए आई बिलीव अपर हाफ में ही जा रहा है अब ये ग्रेडियंट टॉप तक जाना चाहिए एनी वे दैट्स नॉट अ मेजर मेजर इशू हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग लॉगआउट करते हैं बिकॉज मुझे पता है लॉग इन का पार्ट तो इन्होंने टेस्ट अच्छे से कर ही लिया होगा मोस्ट प्रोबली उससे पहले सर्च यूजर्स टेस्ट कर लेते हैं लेट्स ट्राई टू सर्च विद माई नेम ओके प्रोफाइल मिल रही है Decisions मिल रहे हैं रेज्यूमे है सब कुछ दिख रहा है ठीक है दिस वर्कस परफेक्टली फाइन और शेयर वेयर हो सकता है ठीक है दिस इज़ ओके नो इश्यूज़ ओवर हेयर अब हम क्या करेंगे हम लोग इसको जाकर के यहाँ से लॉग uh, आउट करेंगे तो बेसिकली आई जस्ट लॉग आउट फ्रॉम हेयर सॉरी लॉग आउट फ्रॉम हेयर हैट फिंगर्स एंड नाउ आई आम कैन ट्राई समथिंग लाइक दिस फॉरगॉट यूजर नेम पासवर्ड कर सकते हैं हम वी कैन ट्राई साइन अप बट आई विल ट्राई साइन अप फर्स्ट ये क्या हो गया आई थिंक आई फाउंड समथिंग वेट ये इश्यू आ रहा है एक्चुअल में जब हम यूजर नेम टाइप कर रहे हैं और मैं काफ़ी स्पीड से टाइप कर रहा हूँ जब तो ये क्या हो रहा है मेरा कर्सर पीछे रह जाता है और वर्ड्स आगे टाइप हो जाते हैं बेसिकली ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना अगर मैं बहुत स्पीड से टाइप कर रहा हूँ तो ये कर्सर बीच में कैसे आ गया है यहाँ तक कभी भी ऐसा नहीं होता है किसी भी आप सो so, ये एक एक्चुअल में बग है अभी जो कि हमने यहाँ पर ढूंढ लिया है पता नहीं कैसे ही रह गया और ये टाइप करना भी बहुत मुश्किल है एक थोड़ा सा धीरे धीरे भी करो तो भी नहीं हो पा रहा है आई डोंट नो ये बाकी फील्ड्स में है कि नहीं बट डेफिनेटली एक बग हमारे को मिल चुका है ये तो पक्का है ई uh, मेल टाइप करते हैं ओ दैट्स अ नाइस दैट्स अ नाइस फीचर हम लोग चूज़ करते बट अगेन यहाँ पर भी वही इशू आ रहा है टाइपिंग करते हुए कर्जों पीछे रह जाता है आई कैन चूज़ जी मेल आई कैन चूज़ ऑल ऑफ दीज और नहीं तो ख़ुद भी टाइप कर सकता हूँ मैं ऐट द रेट के बाद बट या आप जो भी है एक इशू तो एग्जिस्ट करता ही है ठीक है कंट्री सिलेक्शन में जाते हैं यहाँ पर कंट्री नाम टाइप करते हैं यहाँ पर भी वही इशू आ रहा है और यही right, तो हमारे को मोस्ट प्रोबेबली एक ही इशू मिला है अभी तक और वो यही वाला इशू है कोई खास बहुत बड़ा इशू नहीं है बट हाँ इसको सॉल्व तो करना बनता है एक और चीज़ है यहाँ पर इसको बताना चाहिए था वो यूज़र नेम टेकन है बट इस नहीं बताया मेरे को और ये ई भी गलत ही गया है मोस्ट प्रोबेबली जो कि मेरे पास है नहीं इसका एक्सेस तो देगा ही साइड टाइम पर लेट मी जस्ट टाइप अ डिफरेंट ई जो कि मैं यूज़ करता हूँ एक्चुअल में एंड होपफुल uh, ये वाला काम कर जाना चाहिए सक्सेसफुल right, right, मेरे को ई मेल आ गया है मैं ई मेल खोलता हूँ और दी नेक्स्ट माई मेल और ये वेबसाइट पर ले गया आई वु एप में ही जाए अभी तक बिकॉज हमने डायनामिक लिंक्स एक्टिवेट कर दिए तो जो भी ऐप का लिंक होता है वो ऐप में ही जाता है आई एल शो यू नबिट हाउ इट वर्क्स बट इन जनरल मेरे को यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आई सू as क्लिक द लिंक इट शुड बेसिकली गेट मी टू दी लॉग इन पेज ऑफ द एप्लीकेशन मैं लॉग इन करूँ और यू नो इट शुड बी सक्सेसफुल एवरीथिंग शुड वर्क लाइक दैट बट अपेरेंटली ऐसा नहीं हुआ हमें वेब ब्राउजर पे जाना पड़ा विच आई डू नॉट लाइक अगेन सो ये चीज़ एक्चुअल में हमारे को फिक्स करने की जरूरत है नॉट अ बग बट आई थिंक लैक ऑफ फंक्शनैलिटी यहाँ पर जो हमने यहाँ पर विटनेस करी है और राइट आई थिंक आई डोंट नीड टू टेस्ट वो वाला पार्ट आगे का पोर्शन तो सही होगा मुझे पता है बट फॉर द मोस्ट पार्ट या इट शुड वर्क लाइक दिस लेट मी एक्चुअली सी दिस पार्ट ऑल्सो लेट से मैं यहाँ पर ई टाइप करता हूँ अपनी वन ऑफ दी आई डीज दैट आई यूज ऑन दिस वेबसाइट एंड आई दिस प्रेस सबमिट ओके यूजर नेम लिंक सेटिंग पासवर्ड रीसेट का आ गया है और एट लेट्स ट्राई दी पासवर्ड रीसेंट रिस बार इस बार देखते हैं कि क्या ये ऐप पे लेके जाता है कि नहीं ना, ना, अभी भी ये वेब ब्राउजर पे ही लेके गया आई थिंक दिस इज मोर अबाउट अ केस विद एंड्रॉयड एंड आई ओ एस में भी जो एंड्रॉयड फोन्स हैं उसमें ये चीज़ काम कर रही है डीप लिंक आई ओ में नहीं कर रही बिकॉज

But yes, definitely this is getting close to a production version that we are going to be publishing in the next, you can expect one to two weeks. It should be both on Android and iOS simultaneously. And of course, if you have any feature requests, you can let us know by the way, chat or you subject chat, add friends, follow. All of these things are coming up soon. Once we have all of those things, right? Where you are able to connect with some people right over here and you can chat with them directly. And you know, of course, everything is going to be encrypted. You're going to be able to connect with people with your privacy protected. आफ्टर दैट वट वी वॉन्ट इज़ इम्प्लॉयर्ज ऑन दिस प्लेटफॉर्म सो बिकॉज बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जैसे अपना रेज्यूम अपलोड किया बट वी वॉन्ट इज दीज पीपल शुड भी एबल टू गेट जॉब्स इंस्टेंटली फ्राम एम्प्लॉयज इन द यू एस कैनाडा आयरलैंड कंट्रीज वे यू वुड लाइक टू गो इन ऑस्ट्रेलिया जहां पर आप पढ़ने जाते हैं अगर आपको वहाँ से डायरेक्टली जॉब का ऑफर मिल जाए दैट इज़ वट वी आर होपिंग टू प्रोड्यूस एंड आई होप आई रियली रियली होप यू आई एबल टू बिल्ड दैट बट दैट इज़ वट वी विल बी डूइंग इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स इंटर्नशिप्स जॉब्स ये सब चीजें वी हैव टू इंटीग्रेट फर्स्ट चैट बनेगी So that you guys can connect and employers can connect with you also, and then the you know our employers and everything they will be able to basically post jobs and you will be able to pick up those jobs and you know of course a lot of times h1b <laughs> interest you can directly come come to our application you can sign up and you can apply to jobs and you will have people who are willing to sponsor you. That is my that is my you know long term I think initiative that we are going towards. Of course, the study abroad initiative will be over here in the application. It's already here.

jobs and everything if you're directly able to get those Kisi ka goal hai, education uska goal hai, kaam karna we should be able to directly support that and that's my goal over here it should be all free so the employers can basically connect with you of course employers can pay some certain amount to post jobs but you know for you guys it should be all free and that's how we are thinking of making it and again hope you like this video hope you like <laughs> bugs, actually काफ़ी काफी घंटों तक जब मैं टेस्ट करता हूँ तब जाकर के मिलते हैं इशूज़ बट दिस इज दी फर्स्ट टाइम आव डन इट ऑन कैमरा सो आई डू नॉट नो हाउ यू नो हाउ इट बेंट कितना टाइम लगता मे बी मैं और ढूंढ पाता बट स्टिल वी आर शॉर्ट ऑन टाइम सो एनी वे मे श्योर फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर सच कॉन्टेंट एनालिसी इन द नेक्स्ट वन थैंक यू सो मच फॉर लॉगिंग इन टुडे गुड बाय एंड टेक केयर